मेरा बेटा प्यार है आंटी बोलता उसको, मेरा बेटा उसका मुरीद है सर, उसको धरा दुआ तो मेरा बेटा का काली जाए जैसा कहीं को बोलो मेरे को। भाई के बच्चा की अम्मा बन को पा लिया हमने, भाई के बच्चा को अम्मा बन के पा लिया गया सर। मेरा नमान उसका गुलाम, मेरा नमान उसका गुलाम हजरत, मैं कैसा बर्दाश्त करूं। मैं अपने बच्चों को आप ही बोलो, अपने बच्चों को दूसरे मोहब्बत करे तो अपने को देखे जाता क्या? आप ही इंसाफी करो। फुप्पू के मुरीदा कौन तो भी बच्चे रहती क्या बोल? फुप्पू के दीवाने बच्चे रहती क्या? आप ही बोलो। मेरी बड़ी बेटी नानियाल में पली है, बड़ी है, अम्मा का गाती होंगी समझ। एक चीज से नहीं करी मैं उसको, उन्हें घर की एजेंट थी, उन्हें उससे घर चलता था हमारा। क्या क्या करी तूने? भाई उठो बोले तो उड़ता था, बैठो बोले तो बैठता था, मालिकदार भी बना के रखा था उसको। रामन्ना का मैं जाके मेरे पिशाब में दवा मिला के खिलाई हूँ उसको, मेरे पिशाब में उसके पूरे दवाएं हैं आंग में, उसके किडने फेल हो गए एक महीने। एक महीने में जरीन का मुड़ना चले जाता था, एक महीने की मेहमान है उन्हें अब जरीन, किडनी फेल हो गए। कैसा मैं उसकी जानकारी। अब प्यारी आंटी का नाम ही डूब जाता था, मेरे बच्चे पूरे उसको प्यारी आंटी बोलती, फुप्पू नहीं बोलते, चार बच्चे मेरे उसके मुरीदा, नानियाल में नहीं जाते, उससे मैं जाके चाट के आती, पका पका के खिला दिया उन्हें। उसके सारे बच्चों दवा के लिए तूने? नहीं बड़े को खिलाई, तुम्हें मिला के लिए बड़े को, उसकी छोटी बहन की डिलीवरी करने आई थी ने, दूध गरम करके मेरा नमानित लेक जग देख था उस छोटे को, ब्रेड दाल खिलाती तो वो पोट्टा आवारा निकलना, कंडा अब्दुल रखीब है उसका नाम, अल्लाह का नाम, आवारा निकालना बोलकर खिलाई। मगर बाबू साहब उसकी जान बचाई, मेरे पिशाब में रामन ने दिया दवा में। तुझे मर के कमी नहीं जानने में जाने का है? अरे देखा जाएगा जी, मैं एक नमाज नहीं छोड़ती, अल्लाह से माफी मांग लेती हूँ। बात दिखावे की नमाज कबूल नहीं करता ना अल्लाह, मैं नमाज ही हूँ, नमाज ही हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, पांच पांच कुरान शरीफ में पढ़ती हूँ मैं। और क्या क्या करी तुम? और क्या क्या करी बोल दो। रखीब को शहद में मिला कर झूले में सुलाई थी ने तो दवा चटाई, मेरा बेटा देखो क्या खिला रही क्या चटा रही बोलते, सात साल का आठ साल का था उन्हें, आके मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा बेटा ना उन्हें मेरी बात करना नहीं करना, फूफू की बात कैसा करता उन्हें बोलो। अब मेरे को कितना गुस्सा था, मगर मारी बच्चे को नहीं मारी, कहां से मारती हूँ, पुल कुर्ती के बाबू साहब देख लो, पुल कुर्ती के बाबू साहब हकीम के गाँव वाले, जरीन के पेट में बच्चे को नहीं रखे उन्होंने, अपने घर में रखे पाले, उसके पेट में बच्चा मार देती हमें बोले। जादूगर को कितने पैसे देके दवा ली थी तुमने? जादूगर को 7,000 दी थी जब जमाने मेरा खुद पैदा हुए तो, मर गया बूढ़ा अब नहीं, भुगत रहा मार के, अब तो मरने आई उसके पीछे भुगत नहीं। हाँ जी हजरत सही चो, मैं 3 साल के अंदर कैंसर होकर कीड़ा घर के मरने वाली हूँ बोल को मालूम हो रहा मेरे को, हमें से लोगों घर तूने जले गर्म पानी से गंदे अमला करके तो बख्शेंगे अल्लाह। फिर दूसरी शादी कर लेता हमने पीतम की बच्ची को, बोधन का खादर मालूम तुम्हारे को देख लो, भान बोलता उसको बोधन का खादर, अब एक महीने से 4 महीने से खादर जरीन की जान बचाते आ रहा है, आज मारू कल मारू, भाड़ को फौज की फौज रख दे रहा उसके घर में, मारेंगे उसको बोले भान कहते उसकी, उन्हें 25 साल से रिश्ता है उनका भान बहन का, घर को आता था जाता था हमारे। और क्या करी तूने इसके बच्चों पे, क्या करी इसके बच्चों पे? और उसकी छोटी बच्ची इसको तुम लोग ले को भाग गए जैसा करियो, कब करियो? परसों रिजवान की शादी में आएगा, बहुत मैं सुलाली थी उसको, मैं
बालन तोड़ लियो ऐसा ऐसा करके लेके जाके मेरा धनर बिदर वाला उसको दियो सबीरा सबर करने वाली असली नाम बिस्मिल्ला उसका ये नाम वाली को भेड़ के हवाले होना बोले जैसा था 22 लाख दियो मेरे धगड़ 22 लाख देके उसकी बेटी भेड़ को लेके गए जैसा कर दियो। इतना पैसा कहीं दी तूने? मेरे पास कितने पैसे है मान लो तुम्हारे को 10 लाख है। मेरा मारा को लंगा बनाई हूँ मैं गज बनी उसको चिप्पा पकड़ के खाए जैसा करियो इंटरेस्ट हम दे 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 के 10 तोले सोना 10 लाख रुपए जमाई हूँ। देखो ऐसा लोगों को कमी नहीं बाप का तेरा चल रहा लोगों पे जादू ऑटो में चला रहा है भाना का घर भर रहा हूँ इसको कब मारने आई थी इसको जिसके आंग में ही तू तुम अब एक महीने में मारती ना उन्हें दो किडनी फेल हो गई एक महीने मारने मार देती हूँ तुम्हारे साथ में कौन लोग मारे हो इसको भी मार देती हूँ उनको कब मार लेती थी उनको 3 महीने के बाद मारती हूँ 3 महीनों के बाद उनको टक्कर लगाती हूँ बोधन में रोड क्रॉस होते जब उन्हें अब बोधन में काम कर रहा है अम्मा घर मेरा को भान के घर में ये मत के मनन भाड़ो के घर में इसकी क्या तारीफ करती राम मेरा नंदई ईमानदार नमाज वाला भोला खानदान में सब तारीफ करती है इसकी उसके घर से जाता ना इन्हें खादर साहब के घर में इन्हें रहने वाला है अब उसको सब पहचान के मारने वाली है बोलको खादर साहब में क्या लिख रही थी औसत का उनका क्या ली थी तूने जादू चला रहे टाइम पे मैं कुछ भी नहीं लिया फिर उनको क्या टक्कर लगा के मार रही तू चुप बोले सही बोल झूठ मत बोल तेरी जबान खींच दूंगा पूरी वायर अब नहीं ली मैं हाँ जुम आ गया मैं इसलिए थी अच्छा इन्हें नाखून निकाले थे बैठे था रूम में हाँ वो नाखून ले ली थी एक दो मिल गए अच्छा दो मत दावा दान ना बोले तो नहीं हुआ आली में दीन है उन्हें उसको फिर जादू नहीं चली दोनों का गुलाम है उसको ऐसे टक्कर लगा के मार दे रही थी फिर ये मालूम दोनों में से पहले किसको मारने आई थी जरीन को मारती हूँ जरीन को पहले हाँ। और बाद में 3 महीने में इसको मार देती हूँ जरीन को कैसे मारने वाले पहले किडनैप फेल करके एक क्या दो दो अब सीधे तरफ का शुरू हो गया ना कल से अमासर इधर का शुरू हो गया हड्डी देखो उसकी ये खा जा रही है पकड़ रही है बोलकर लगड़ा ले रही दीवानी रान खादर दिया सो तेल से उससे से। अब यहाँ से शुरू हुई है ये खराब हो जाती है इसको धक्का लग गया बोलती डॉक्टर इन्हें अब जाती मकान वाला रहता था बहुत कमाता था उन्हें उसको बर्बाद कर दियो बोधन से मैं खींची उसको नजर है तो जादू करने आता बोल बोधन में रहता था पहले रकासपेट में उन्हें रान ऐसे नोटन जमा रही थी घर रहन में डाली वो डाली ये डाली अच्छी बन जाती बोलकर जादू करके उसकी अम्मा जा रही थी नींबू भेजो मेरा नमान उसकी अम्मा छोड़ने जा रहा था नींबू छोड़कर उन्हें नारायणखेड़ में आगो बसे सका करे बाद में मैं किराए घर देखकर रखी उसको घर में पहले फूक को आगो इसको जाओ बोलो राण दीवानी राण मेरी भावा अच्छा घर देखी बोलो रही है वो घर में कदम रखे जब से तबाह हो गई उन्हें 1 रुपया पीछे नहीं पड़ा उसका दो महीने में अम्मा से कुन्ना में कब मारने आते हैं आज आज को है ना अम्मा तक नहीं रहती हूँ अम्मा से मारने आते हैं बाप का राज चला तुम्हारे सालों कमीनो हाँ उसके भाना के दिमाग में कैसा डालियो मैं पागल हो गई बोलको 3 भाना में बोलती पागल हो गई बोलको भाव नहीं बोलते पागल हो गई बोलको पागल खाना के लेग जाकर भी लड़ना वो राण बोलती है मैं पागल नहीं हो गई बोलको पुकारा सा पूरा उसे याद रहे जैसा करे सोच सोच के पागल हो गए जैसा मैं ही सब कर रही हूँ वही सब कर रही हूँ जरीन को दवा कैसे मिला के लिए तूने दवा मेंढक के गोश में सही बोल काई को बोल में लगा रहे सही बोल मैं तेरी जबान काट दूंगा अंडा फ्राई करी थी और अंडा मछली भी फ्राई करी थी कितने बार डाली थी दवा 1000 बार डाली सब अलग अलग डाली क्या एक ही मिला के डाली नहीं वो और तरीके से करी मैं उसको एक तरीके से नहीं क्या नाम बोल के आए तू मेरा नाम शाहिन सरदार खान साहब की बेटी मेरी अम्मा जुबेदा अगर ये नाम वीडियो वीडियो पे आया तो उसको नारायण खेड़ में उसको उसके माता मरा तू कतरने लगाती हूँ मैं बदनाम हुई तो मेरे खानदान में कतरने लगाती हूँ नारायण खेड़ से चिन्हिया बत्तिया साइंत लगाओ फुल कुर्ती को खानदान
आपका राज चल रहा तेरे लोगों के जादूगरों ने भी कर लिया होशियारी की बात अभी कर दी वक्त काटने लगा तेरे हाथा लोगों के बच्चों को मार रही मारने लगा ना तेरे बच्चों को हाँ मुन्नू भाड़ को सही याद बुने बोलिया को नहीं मानते थे हमरा सत्ते ना सो जाओ शमीम का मेरी बड़ी नाना हाँ चाचा के दोस्त को छोड़ने गया था गायब साहब की निगाह उसके ऊपर गिरी चमके जैसा हुआ उसको दो साल से गायब साहब पोते के ऊपर है अब एक साल का अंदर हुआ उसके ऊपर मालूम हो गए आ रहा हूँ जलाओ उसको मारो अंदर से नाला है कुबलाओ चाबू को मारने वालों को और मारो उनको तेजी से नको मारो नहीं मार नहीं बोले सवाल को मारना हमें अम्मा बेटा सब बोल देती और कहीं को मार दे मेरा नाम जुबेदा है भाई शाहीन की अम्मा शाहीन की अम्मा सरदार खान साहब की बीवी यू नो समझ रही शादी के बाद से हमें जादू शुरू करी बोल को नहीं ड्राइवरों ने रशीद चार खाना मारो जला दो तेज से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरे भान का बेटे गुंडे थे उनके हाथ मेरी बेटी को नहीं कर लिए तो कर लगा उसका
अरे दुंगा कुड़का, अरे दुंगा कुड़का, अरे दुंगा कुड़का, मर्याद रख चेता, नेनो, ओ राजू लच्छा बनो, राजू लच्छा बनो, तुम्हेता दोस्तू, इरवाई एंड लानुंची अभी नाकु परचेमो और मारने लगा हूँ नाला है जल्दी बोल टाइम नहीं मेरे पास। हाँ जोर से लगा पूरी ताकत। जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको, जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको। चल हाँ बोल नाम बोल। कौन डाले थे बच्ची के पेट में? हाँ जल्दी जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, पूरा जला दूंगा मैं। जलाओ 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 उसको, नाला है जलाओ उसके नत्ते भी ध्यान लगाओ। चल बोल चल बोल और जोर से और जोर से और जोर से। हाँ लगा पूरी ताकत की थी तेरी, और जोर से जोर से पूरी ताकत से और जोर से। हाँ और जोर से हाँ और जोर से। हाँ चल बोल। कहीं मिला खिलाए थे बच्ची को? कहीं मिला के खिलाए थे? कैमरे को तो घुमा कर ना। हाँ कहीं मिला खिलाए थे बोल। आया यार यार अभी क्लास में कुछ चीज से लगा पूरी ताकत लग, जल्दी लगा जल्दी लगा। बिस्मिल्लाह रहमान। हाँ जोर से जलाओ उसके अंदर, आग लगाओ तेजी से आग लगाओ।
जलाओ उसको और तेज जलाओ। बोल कौन करी उसको जादू नाम बोल उसका। इसकी जेठानी करी। सुने नहीं आ रहा मुझे कौन करी? इसकी जेठानी। कौन? इसकी जेठानी है। कौन करी? नाम बोल उसका। क्या नाम है? सुने नहीं आ रहा मुझे और तेज जलाओ। पूरा खत्म कर दूंगा। नाम बोल जल्दी बोल। क्या नाम है? जलाओ और तेज जलाओ और तेज जलाओ उसको। नाम बोल उसका। बोल क्या लिख गई थी बच्ची का उन्हें जादू करते टाइम पे? नाइटी लिख गई थी। क्या लिखी थी? नाइटी नाइटी। वो क्या अर्थ था? कब लिख गई थी? कब ली थी? पहले रात को ली थी। पहले रात को ली। अच्छा कल को ली। पहले रात को दुश्मनी क्या थी उसकी? इसकी थी हाँ। इसकी सास रोज खिलाती थी। फिर आए थे खिलाना बंद कर दी उसके लिए। उसके लिए क्या खिलाती थी? खाना खिलाती थी। किसको खिलाती थी? उन लोगों को खिलाती थी। इसके आने बंद कर दी। इन्हें बोली थी क्या मत खिलाओ बोल के उनको? बोलता हम लोग अब देखने वाले कोई भी नहीं थे। जब अकेले था बेटा हम लोग बाहर रहते थे। बस लोगों को बुलाना खिलाना पिलाना तो था। जैसा भाव जाने का। जादूगर कौन था? वो हिंदू था मुसलमान था? हिंदू था। कितने पैसे दी उसको? नहीं मालूम। कितने दी? सही बोल। 50,000। और क्या दी थी वो नाइटी के साथ में बच्ची की? और क्या दी? बालम दी। क्या दी? बालम दी। अच्छा वो कौन चुराए थे? हाँ वो कौन लगा था? बोल मैं चुराई। तूने चुराई? कहाँ से चुराई थी? कब चुराई थी? सही बोल। बोल जलाओ फोर दे जलाओ। हाँ कब मार दो बोली थी उन्होंने इस बच्ची को? कब मारो बोली? कब हुकुम दिया थे जादूगर ने मार दो बोल के बच्ची को? हाँ जोर से बोल। अम्मा से हो? कितना टाइम बचे आला है? कितने महीने बचे आले? सही सही बोल। एक साल बचा था बस। कितना? एक साल बचा था। साल का कौन सा महीना है वो? कौन सा साल? कौन सा महीना? एक साल बचा था बोलो मेरे को। एक साल बचे आला है भी? अच्छा तो साल का एंड को कौन सा महीना है वो? महीना कौन सा है वो? महीना महीना कौन सा है वो? जलाओ उसको तेल जलाओ। बोल जल्दी बोल। बोल पानी पिलाओ उसको दम करा के। इस पेट में से आग लगाओ तेज से। कैसा मार बोल? एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के क्या सुसाइड करा के कैसा मारने आ रहा था? गल्ला दबा के मारने का था। गल्ला दबा के मारने का था। गल्ला दबा के मारने का था। बाप का राज चल रहा देख। गल्ले दबा के मारने को ए भाग नहीं सकता तू। अभी तुम जाने का हुक्म नहीं दिया मैं। उठ नालायक। मुंह पे का कपड़ा क्यों हटाए? तुम शूटिंग चालू है ना? पानी पिला। कपड़ा हटा के पिला दे के पानी। उठ रहे उठ जल्दी उठ। उठना तो पूरा खत्म कर दूंगा। उठ जल्दी। भाग के जाने को देखा रे। निकलाओ पानी। जलाओ उसके पेट में से। और तेज आग लगाओ। कहीं में मिला खिलाई थी उन्होंने बोल? कहीं में मिला के खिलाई थी? बोल जल्दी। कहीं में मिला खिलाई थी? और लगूं तीर से आग? ये बच्ची को दवा कहीं में मिला खिलाई उन्होंने? कौन सा गोश्त था? कहीं का गोश्त था? कहीं का? मुर्गी का। कहीं का? मुर्गी का। कहीं का? मुर्गी का। जोर से बोल सुनने नहीं आ रहा। मुर्गी का। मुर्गी का गोश्त था। सालन था तले वाला था? सालन था। अच्छा सालन में क्या? सालन था मुर्गी। क्या करना आप तेको बोला नाला? और किस किस को खिलाया उसके घर में? और इसके मरद को भी। मरद को भी खिला दिए? उसको कहीं क्या से खिलाए? दोनों नहीं भूल गए ना फिर। अच्छा उसके मरद को मार दे रहे क्या से करे? हां नहीं मरना फिर। उसके मरद को कब मारने आते? मरद को कहीं मिला खिलाए? हाँ गोश में। कौन सा गोश? कौन सा गोश? मुर्गी गोश में। कौन सा?
भारत पे जादू चलाने कितने दिन उन्हें पैसे जादू कर कूं बोल जल्दी हाँ अच्छा उसमें भारत का क्या लिख गए थे जादू चलाने को क्या लिए थे उसके मरत का जादू से आने क्या लिखे थे कपड़े क्या लिए थे कपड़े में क्या लिए थे हाँ छड्डी लिए थे क्या छड्डी वाली कौन से कलर की थी वो बोल सफेद लाल छड्डी कौन से कलर की थी लाल लाल कलर की हाँ बनियान कौन से कलर की थी सफेद कितना टाइम रहा उसका लिखा के दोनों का सेम सेम टाइम और क्या पूछने का है और क्या पूछने का है किसके माँ बाप का इनके सास के ऊपर भी नहीं करी सास के ऊपर भी करी बच्ची के सही बोल हाँ बोल बच्ची के सास पे भी करी उन्हें जादू हाँ कौन करी कौन करी कौन ने सास का क्या लेके थे जादू करते टाइम पे क्या ही लग गई सास को कह के आस्ते कर उसको मार दे करे नहीं होता दोनों को बीच में रहना ओके कर कह के आस्ते दोनों के बीच में रहना ना बोले तो दोनों को नहीं मिलने देना ना अच्छा उस वास्ते करे और सास को बीमार है कौन डाल रहा फिर वो कमजोर कौन कर रहा उसको अंदर ही अंदर साई बोल उसको कौन से तारीख को मारने वाले उसके सास को उसको नहीं मारना साई बोल जला दूंगा पूरा उसको कब मारने वाले बोल जल्दी उसको नहीं मारना साई बोल उसको नहीं इन दोनों कुछ फिर सास को कमजोर कौन कर रहा अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर खोखला कौन कर रहा हूँ हाँ काट दू तेरे हाथ कर दू भसम हाँ झूठ बोलता फिर अभी उसके हाथ को नहीं लगा काई को पकड़ेगी तुम सीधा पकड़ो ना तुम अब जब से क्या बोल रहा हूँ निकालते पूरी दवा बाहर उसकी खींच के कपड़ा लाओ रे साफ करने लगा उनको निकालो उसकी पूरी दवा निकालो तुमने तो खेलने को पन्निया नहीं दिया लड़ते वही चलो दूसरी पन्नी लाओ वो पन्नी को पन्नी में डालो जाओ रे दोस्त चिल्ला दोस्त पन्नी आएगा दुकान से लाओ उसकी पूरी दवा बाहर लाओ पेट में से लाओ उसका सारा चिकन का सामान बाहर निकाल के फेंको उसका चल रे जल्दी चल बाहर आया क्या शूटिंग में पूरा फिर निकल हाँ चालू है बंद है चालू है वो इधर मार इस वास्ते बरोबर पन्निया पकड़ो बोलता हूँ वही लोग अंदर आ गए कि अंदर आने के बाद में ये सब आलम देख के इंसान का दिमाग काम नहीं करता गुंग हो जाता गुंग बाहर से पहले ट्रेनिंग लेके आना पूरी अंदर कैसा आने करता क्या है पन्नी फोल्ड करो पन्नी में पन्नी डाल दो स्पीड में फोल्ड करो चलो उनको दो पकड़ने को पकड़ो नहीं साफ करो जब तक सही तरीके से आराम से पूरे इससे मत फैलाओ उसको जहाँ का वहाँ साफ करो उसको फिल्टर पानी पीने से साइंस बोलता हूँ मीटिंग बंद हो जाती देखो अल्लाह कलाम की ताकत फिल्टर पानी पे दम करके पिलाते कैसे मीटिंग हो रही कैसे दवा निकल रही बाहर पेट में से रखे फुके बाटल तुम इतना आए थे बाहर से उधर देख के बोलो दुनिया देख रही तुम आपको और क्या लाए थे दुकान से लाए थे ना खाली दम करके पिलाते थे कैसे मीटिंग होती अल्लाह कलाम का वो होता उसका मुंह मत दबा दो उसमें नीचे पकड़ो यूं
जाओ और पीछे पकड़ो, और पीछे पकड़ो, ऐसे पकड़ो बुला रहे। चलो उसकी पूरी दवा निकाल दो, उसके पेट में से खींच के जलाते रहो, तेजी से जलाते रहो उसको, होगा ना? और कुछ पूछा लेता है? बाहर गिरने दे रहे, फिर बाद में उसका मूंछ पूरा अंदर डाल दे रहे उसमें, ऐसा कैसा दम घुटेगा उसका? लाओ उसके पेट में सारी दवा बाहर लाओ, जल्दी बाहर, पूरी दवा निकालो उसकी जल्दी। हाँ गिलास में पानी, जितना तुम ज्यादा पानी दम करके पिलेंगे उतना वो अल्लाह कलाम हो उतने जल्दी उल्टे होंगे, दवा बाहर निकलती हो, घूम मत बढ़ते जाना, यहाँ अंदर कैसा आते है बाबा पहले देखना ना जरा, वीडियो के अंदर सब देखने के बाद मालूम होता, तुम वीडियो नहीं देखते क्या पूरे के भगा भगा के देखते? खिलाओ कपड़े, निकल निकल मार, निकल जलाओ उसके पास, तेज जलाओ, اللهم فاض السماوات والله الظالم الغبي، فاض السماوات والله الظالم الغبي، شهد الرحمن اللهم اني احد اليك في حاضر حياتي الدنيا، اشهد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، اشهد ان محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني الا نفسك وعينك تكلني الا نفسك فوق ربي لا شريك لك، واني لا تكل الله برحمتك وجلني انك عظم توفي الى يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. जलाओ पूरा जला के खींचो उसकी दवा पूरी बाहर खींचो। क्या पहले चक्कर में आए थे, दूसरे चक्कर में तुम? हम ये दूसरे चक्कर में हैं। पहले चक्कर में निकला था उसका उल्टी होके कुछ? हाँ थोड़ा निकला था, थूक निकला था, कब्र समय फेंक दोगे थे। उसके बाद में आप अभी कल परसों दो दिन मोशन से थोड़ा वो पूरा खट्टा पानी निकलने लगा था, उतारा हुआ सो होने के बाद दुआ का पानी पिला तो क्या होते मोशन वो उल्टी होते वो भी कल से ही हुए। उधर देख के बोलो दुनिया देख रही हूं, सारा दिन हुआ कल सारा दिन मोशन में उल्टियां भी। पहले उन्होंने सवाल जवाब करा था उन्होंने? हाँ पहले करे तो ज्यादा बात करा था क्या, कम करा था? कम करे थे आज पूरा, दूसरी चक्कर में ज्यादा करा कम करा? अभी ज्यादा करे। अच्छा तो उतारा होने के बाद वो कमजोर होके ज्यादा बातें करा? उतारे का सामान तुम्हारे दुकान से लिख के दिए थे पूरा पढ़ा के, तुम घर को लेकर गए मेरे पास छोड़ के गए थे? घर को लेकर गए, पूरा पढ़ा के घर को लेकर दुकान से सामान लाए थे, कहाँ से? दुकान से लाए थे, दुकान से लाए थे, पढ़ा के ले गए मेरे पास। उस वक्त कमजोर हुआ, कमजोर हो गया, सब बात कर रहा फटफट। पहले बोला था एक साल बच्चा बोल के मारने को? नहीं नहीं बोला था। क्या बोला था पहले? अम्मा को मारने वाला था बोला। अच्छा। अम्मा को मारने वाला था, उनकी जिठानी करे बोला था बस। उत्तर बोला। अब क्या क्या बोला? अभी क्या उनके सामने शोहर के पास है बोले, शोहर उनके शोहर को भी मारने वाला था, पूरा रास खुल गया, किस वजह से मारने वाला था वो भी बता दो। उसके शोहर को कैसा मार रहा बोला वो? उनके शोहर को कुछ भी नहीं बोले, कैसा मार रहा? अरे उसके शोहर को कैसा मारने वाला है बच्ची के? एक्सीडेंट करके गला दबा के सुसाइड करा के कैसा? हाँ गला दबा के, सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से कहा गई अब तेरी जबान कमी है, वो ताकत बता रहा था कमजोर लोगों को, दिखा मुझे कितनी देर ताकत। चलो निकालो उसकी दवा पूरी, निकालो उसकी दवा पूरी बाहर निकालो, जरी छोड़ो मत अंदर। क्या मेरे पुतले के जैसा मत लेके बैठ, मैं था बीच। निकालो निकालो निकालो, जकड़ के निकालो, तेज से मारो उसको, खूब मारो अंदर से।
मार तेरा उसको तेजी से मार के निकालो उसकी दवा पूरी बाहर। उसको वाइस अप बिठा के रखो, मैं अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। चालू रख रही शूटिंग इधर ले। उसको वैसा दुआ का पानी फुका फुका थोड़ी थोड़ी देर को पिलाते रहो, दम करा के। मैं प्यार नमाज पढ़ के चलो दम करा के लो गिलास में का पानी। इससे पहले हाजिर हुआ था? हाँ, कहाँ पे हुआ था? हमारे घर के पास हुआ। कितने साल पहले, कितने महीने पहले? 2 महीने पहले। हाँ, क्या बोला था? जोर से बोलो, सुने आना। पहले हाजिर हुआ सफर में, खरीद बोले कि मैं गलत जगह से आया, बोला बस उतर, लेकिन नाम क्या है पूछे तो नहीं बोला, कहाँ से आया वो तो कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। बस रोना, रोते जाता था, कभी भी बाहर गया था तो रोता ही था। बड़ी मुश्किल से दुआएं सूरे हुए पर लेके छुड़ा लेते थे। तो यहाँ से अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम लोग आपका वीडियो देख लेके किए हम उसमें यूट्यूब में, यहाँ पर आते मारो और जलाओ, कुत्ते से जलाओ। जकड़ो उसको और तेज, जकड़ के निकालो उसको, मारो उसको तेज, मारो खूब मारो उसको। दूसरे पेशेंट को होते हैं, चलो फिर बस चालू करो नंबर। ठीक, पीछे ले जाओ, थोड़ा दीवार से लगाओ, पीछे लगा दुआ का पानी थोड़ी थोड़ी देखो, सब जिसका भी पढ़ना हो तो पिलाना, पिलाएगी उसको, उल्टे आओ सब निकलते रहता है। खाल खींच दो उसकी पूरी, कमे हो कम बाकत की, मारो उसको, जलाओ उसको अंदर। पन्नी ऊपर उठा के पकड़ा हुआ में, कितना निकला पन्नी की तरफ, मारो क्या करा? जलाओ 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 उसको और तेज जला दे उसकी नाला। कहाँ से आए थे तुम लोग? हैदराबाद में कहाँ रहते? नासिराबाद, मतलब नाचारम, क्या अलग एरिया है हैदराबाद में? चल रहे बोल, उसके शोहर को कब मारने आ रहा था? बोल बोल, कब मारने आ रहा था उसके शोहर को? बोल बोल, शोर को कब मारो? बोले नहीं बोलता, जला तेरे और तेज जलाऊं। चल रे आ गया, आगे लाओ उसके शोर को कब मारने वाला पूछ रहे। चला गया नालायक, बाप का देर रात चल रहा रे, दुनिया में लोगों का परेशान कर रहा रे, जाना ले था लोगों के।
किसकी दुनिया है बाप की इधर अल्लाह का बंदो पता भी बता दी था पर की चो मजलूम हो बेजुलूम डर रहा ठीक है बता मेरे को और क्या रास के बात है जल्दी बता और क्या पूछने का है अभी की स्पीड कम करो क्या पूछने का किधर जाके करी वो एक में हां किधर जाके करी उन्होंने वो छोकरी ने जिसने जादू करी इसके ऊपर तो हां किधर जाके करी उन्होंने और जोर से हां जोर से हां किधर जाके करी उन्होंने जादू किधर गई थी किधर हां सुनने नहीं आ रहा मुझे जोर से कौन से एरिया का था वो जल्दी कौन से एरिया का था वो हां कौन से एरिया का था वो जल्दी जल्दी हां कौन से एरिया का था जलाओ उसको तेज जलाओ जला दो उसको तेज जलाओ क्या पूछा मैं कब्रिस्तान कौन से एरिया का था कैमरा इधर से और कैमरा इधर से जकड़ लो उसको तेज जकड़ो जरा जलाओ उसको तेज से नाला जलेंगे तो उसका अक्कल ठिकाने कोई नहीं फिर बोली मारो बिस्मिल्लाह रहमान जलाओ बता कौन सी एरिया जादू चले हुए एरिया का नाम बोल एरिया का नाम सही बोल तुम्हारी बोल कहाँ की सही उसकी सही कहाँ की वो कौन है त्रिशा वरंगल की था वहाँ कैसा क्या गई उन्हें वहाँ कैसा गई बिहार को गई उन्हें कब गई थी कब गई थी चुपागी में गई थी भाई तो पट्टे थोड़ा नीचे की जो ना आजाद इधर की तो सामने मुंह पे चेहरा दिख रहा ना उसका ऐसा यूं करने का ना हाँ बोल जल्दी जल्दी बोल बिहार में कौन से गांव को गई थी वो अच्छा इतना क्या पूछने का डिटेल में बिहार बिहार हाँ चल मेरे को एक बात बता मुद्दे की मेन उसके शोर कब मारने वाले हाँ बोल मारो बोले ते कब मारो अम्मास में पुन्नम में अम्मास में सास को मारो बोले अम्मास में सास को मारो बोले हाँ उसको बीमार याद आलो बोले हाँ क्या क्या जोर से बोल और क्या पूछने का अच्छा इसके क्या नाम है नाम बोलते जाओ जी सरफराज को क्या करे डरा रहा कौन डरा रहा उसको माइच अच्छा उसको भी मारने वाला था उसको भी जादू कर रहा है जलाओ उसको नाला जितने जितने जलाओ उसको और कुछ जलाओ बता सरफराज को कब मारने वाले थे बोल बोल हाँ सरफराज को मारने वाले थे हाँ बोल हाँ बोल बोल नहीं खाली डर रहा था मैं ताए झूठ बोल रहा तो कब मारने वाला उसको बोल सही से बोल सही बोल अम्मा से मार रहा था पुन्नम मार रहा था उसको हाँ कौला बच्चा दिख रहा बोल के ले जाने का सोच रहा था साथ में हाँ कमीने बाप का चल रहा बोल आइए कल ठिकाने आप लाओ उस पर बच्चे को मार रहा था मास में पुन्नम में हाँ छोटे बच्चे को मार रहा था मास में पुन्नम में मास में पुन्नम में जल्दी बोल जलाओ कौर से जलाओ कौन लोग क्या बोल रही है छोटे बच्चे को जलाओ उसको नाला को करेगा दोबारा परेशान उसको चलो इसको कमजोर कर करके भस्म कर दो फिर नाला कुछ अकड़ के रखो उसको तेजी से आओ चलो पानी पिलाओ उसको दम करा के
जो भी नामा निकले करे वो तुम्हारी जवाबदारी है, वो मेरा कुछ भी नहीं, मैं पूछा के दिया लोग निकाल के ले रहे, नामान जाके लड़ रहे हैं, फिर मेरे को आके बोल रहे क्योंकि वो मैंने नहीं बोला, वो जो भी बोला शैतान ने बोला, क्या बोला उसके आंग में आके बोला, मेरे मुंह से तो कुछ भी नहीं बोला, मेरा काम है पढ़ना, पढ़ के फूकना, फूक के जो भी है हाजिर करना, जो भी हाजिर हुआ उन्हें जो भी बोलेगा वो उन्हों जानो, उनके रिश्तेदार जानो, शैतान जाने, अपने को नहीं मालूम कुछ, क्योंकि लोग इतने बदमाश हो गए कम वक्त पूछ के ले रहे हैं, जाके उधर से दोनों मिल के आके फिर अपने कुछ बोल के ऐसा कर रहे हो, देखे नहीं क्या केस का कैसा करके डाले, बिला वजह फंसा के झूठे बता, अच्छा करने वालों को यहाँ पैसा हो गया लाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ को ऐसा बना दिए, अच्छा करने वालों को जेलों में ठूस दे रहे, बुरा करने वालों के गल्लों में फूल के हरा डाल के लेके फिर रहे उनको क्रिमिनलों को, असल जो क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल नहीं है उनको क्रिमिनल बोल के जेलों में डाल रहे, तुम्हारे पे सब पे अल्लाह का अजाब नाजिल होगा जल्द से जल्द, अल्लाह जल्द से जल्द सब पे आजाब नाजिल करे अपना नालायकों पे, क्योंकि जहाँ दुआ और दवा दोनों काम नहीं आते, जहाँ दवा भी काम नहीं करती और जहाँ दुआ भी काम नहीं करती वहाँ आजाब इलाही रहता, क्योंकि आजाब इलाही में कोई हाथ नहीं डाल सकता, सब हाथ उठा लेते उसको देखते नालायक। हाँ बोल, पूरी दुनिया के यजीद के औलादा मिलके भी एक हुसैन आले सलाम के बच्चे के जूती को भी टच नहीं कर सकते, जहमत नहीं पहुंचा सकते, नालायक हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे इतना करके भी कुछ नहीं कर सके, तुम उनके औलादा नाजायज उनके औलादा यजीदों पे तुम थोड़ी कुछ कर सकते, हमारा जूती को भी हमारे जहमत नहीं पहुंचा सकते तुम, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है और तुम्हारे साथ शैतान इबलीस है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते इबलीस के साथ रहेंगे, या इबलीस को सब बन के मारते हैं, ऐसी ताकत दी अल्लाह ने, पानी पिलाओ दम करा के। अरे सर एक दूसरे के ऊपर जादू टोने भी मत करो लोगों, ये गलत बात है, ये हसद और जलन, तुम जो जादू टोना कर रही बहुत ही गलत गलत दास्तान है, क्या बोलूंगा, ये दूसरों के जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाते, ये कहीं हाजिर हुआ था इससे पहले, हाजिर हुआ तो सवाल जवाब करा उन्होंने, उधर तुम पूरी दुनिया देख रही, उधर देख के बोलो, तीन कुछ बात समझ रही नहीं, तुम बोलो उधर देख के क्या हुआ था, हुआ था लेकिन कुछ बोला नहीं, खाली क्या बोलते किधर से बोलते इधर जगह से आया, बोले जैसा बोला बस उतर बोलता नहीं था, बस आया था आंख पे तो करा तकरीबन 10-12 दिन गया, 10-12 दिन तक आंख पे आया लेकिन मुंह नहीं खुलता था, कभी मारने का या कुछ बोला था क्या उन्होंने, नहीं ऐसा मारने का कुछ बातिश नहीं करा, बस एक ही जवाब कहाँ से आया बोलते सिर्फ गंदे जगह से आया, बस वही बात बोला और दूसरा कोई बात नहीं बताया, यहाँ तो बोला ना 1 साल के बाद मारने वाला था, यहाँ बोला ना कुछ भी नहीं बताया, सबके सामने थोड़ी मुंह खोलने की वो रहती, शैताना डरते थोड़ी शैतान के बच्चों से, शैताना डरते अल्लाह वालों से, अल्लाह के कलाम से डरते हो, कलाम पढ़ने वाली ज़बान से, और दूसरी बात कि तुम पहली चक्कर में आए तो बोला था क्या उन्हें, नहीं नहीं बोला, दूसरी चक्कर में, दूसरी चक्कर में तुम्हारी अच्छा, दूसरी चक्कर में पूरा होगा खुलासा उनका, वो ऐसा रहता, इलाज के भी तरीके रहते, अपने अपने तरीकों से इलाज करना पड़ता, वो किसी किसी का शैतान पहली चक्कर में बोल के चल जाता, अलग अलग अमलों से करया लेते तो उनको अलग अलग अमलों से काटना पड़ता पढ़ाया करके, वो कटते सब एक ही चीज से अलग कलाम से, मगर सबके अलग अलग मुद्दत टाइम रहते कटने के, किसी का 1 टाइम में कट जाता एक झटके में, किसी को टाइम लगता, किसी की दूसरी चक्कर, किसी को तीसरा राउंड ऐसा रहता, वो शैतानों की ताकत को कम करने के वास्ते रहती दास्तान, उस हिसाब से अमल करना पड़ता। पानी कहाँ से लाए थे तुम, यहाँ मेरे पास का था, तुम्हारे पास का था, सिलती बाटल इतर पानी पड़ा के दम खाली करके मैंने दिया तो निकला उसके पेट में उठता, उठा के पकड़ो पानी, इससे पहले कहीं निकला क्या उल्टी हो गया उसका, दूसरा कहीं कहीं गए थे दूसरे तरफ बताने को, तुम्हारा निकला क्या, तो नहीं क्या दिया मैंने तुम्हारा को जो उसको उल्टिया में देते, जोर से बोलो दुनिया देख रही तुम्हारा को, पानी पिलाया खाली अल्लाह के कलाम का पानी पिलाया मैंने, जबकि साइंस बोलता कि फिल्टर पानी पीने से उमेटिंग बंद हो जाती, और ये अल्लाह कलाम की ताकत है कि फिल्टर पानी पे दम करके अगर दे दिए जो पेट में दवा रही मीटिंग के जरिए बाहर निकल जाती, अब यहाँ सब बैठे वाले देख रहे थे ना सब लोग अपने आंखों से लाइव नजारा, पूछा और कुछ पूछना है उससे, पूरा निकाल दवा के 2-3 पार्ट रहते, पहला पार्ट उसका उल्टियों में निकालते, दूसरा जो बहुत गलीज दवा रहती जो एकदम गलीज ला के डाली वाली, तो वो मुंह से नहीं निकाल सकते, तो ऑटोमेटिक मोशन में निकल जाते, मोशन भी कर हुआ था दिन में हो रहे थे तकरीबन 2 दिन
जोर से बोलो, दो दिन तक दुनिया सुन रही, दुनिया वालों का जरा कान ना कमजोर है वो ऊंचा सुनते हो। हाँ बोलो, दो दिन से हो रहे मोशन। अच्छा, दुआ का पानी पिलाए थे? हाँ, दुआ का पानी तो दिन भर हम लोग सिर्फ अपना घर का पानी तो बिल्कुल यूज नहीं करे, वो पानी होटल में पिलाना, बस वही पानी पिलाना, आप जैसा बोले उसी तरीके से अमल करे। बस वो यहाँ पर आ रहे बोलने को, दो दिन है बोलने को, वहाँ उल्टियाँ भी मोशन शुरू हो गए। बस अभी अल्लाह का करम है, वो तो पहले सबको तो बेहतर है। अभी इतना सब चमत्कार देखे ना अपलाई उम्मीद। चलो अब नामा तो खुल गए, कोने क्या है, मेरी जवाबदारी, मेरा काम है खाली पढ़ के अल्लाह का कलाम दम करना, बाकी वो हाजिर होता, उसको कौन छोड़ा क्या छोड़ा बरोबर उन्हें राइट नाम बोलता। क्यों बोलता? इंसान की और शैतान की दोनों की फितरत एक है, क्योंकि जो अच्छे इंसान रहते वो अल्लाह वाले रहते और बुरे जो इंसान रहते वो शैतान के साथियां रहते, तो शैतान की और उसके साथियों की दोनों की फितरत सेम रहती। अगर कोई चोरी करा तो उन्हें बोलता मैं चोरी नहीं करा, जब उसको दो फटके पड़ते पुलिस के तो उन्हें फट बोल देता वो चोरी करा। शैतान का भी वैसा चढ़ता, पहले उन्हें नाम नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, झूठ बोलता, जब उसको कुदरती तौर जब मार पड़ती तो जब उन्हें सही बता देता पूरा एक्स वाई जेड, कौन भेजा उसको, किसने खिलाया था, क्या करा था, वो उसकी जबानी बोलता। मैं तो मेरी जबानी कुछ नहीं बोला, मैं तो एक बोलूँ मेरा काम है खाली पढ़ना दम करना देना अल्लाह का कलाम, बाकी उसके अल्लाह के हुक्म से अल्लाह फायज देता, जो भी हाजिर होते चीज़ा वो सब बोल देते हूँ, अल्लाह कलाम की ताकत है उसे। चलो कुछ और कुछ पूछना है क्या तुम बाबू, क्या दुनिया को कुछ बोलना है बोलो। नाम सुन के पैर तले जमीन खिसक गई होंगी तुम्हारे रिश्तेदारों का नाम निकला तो। रहने वाले के मोहब्बत से छह बातचीत तो अभी भी आज भी कम से कम हाल साल पूछने के लिए फोन करे, अब ऐसा है बोले तो अब हम लोग को परेशान की बात है। नहीं तो तुम वो बात पे एक्शन लो ना, पूरे खानदान को बताओ, खानदान में बोलो कि ये गलत दास्तान है, किसी के बच्चों की जिंदगी इसे खराब नहीं करना, कितनी भी जलन हसद कुछ भी थी तो दो थप्पड़ मारना था, चार थप्पड़ मारना था, नीचे गिरा के मारना था, दोनों भी लड़ना था एक दूसरे को, बाद में क्या है तो लड़के गुस्सा निकाल देना था, या ऐसा करके नहीं निकालना ना, इससे जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती लोगों की सबके, क्योंकि जो लोगों पे बीतती उनको पता चलता, जब एक इंसान के आंग में आता तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती, ना बाप ना माँ ना बहन ना भाई, कोई सुकून से सो नहीं सकता, कोई सुकून से खा नहीं सकता और कोई सुकून से कमा नहीं सकता, जिसके घर में जिसके आंग में आता और जिस पे बीतती उसको पता चलता, और बाकी जो लोग रहते इबलीस के बच्चे नाला का वो बैठ के सुकून से कमेटा देते उनको कुछ नहीं हुआ, तो जिस पे बीतती उसको मालूम रहता और जिस पे नहीं बीतती उन्हें सुकून से बैठ के कमेटा देता, मजे लेते बैठता उन्हें लोगों के, क्या बोलता ऐसा रहता क्या, हम मानते क्या, अरे जिस दिन तुम्हारे पे मार पड़ेंगी, जिस दिन वैसा तुम्हारे साथ होगा तो तुमको फिर अकल ठिकाने आएंगी, दुनिया में बहुत कम लोग हैं निकालने वाले और दुनिया में जगह जगह लगाने वाले, निकालने वाले अख्तियार सबके पास नहीं रहते, कांच का गिलास कोई भी तोड़ सकता मगर जोड़ने सबको नहीं आता, कोई सी बात है, तो ये बहुत गलत बात है, जब जिस पे बीतती उसको पता चलती है क्या है, ना इस पे कोई डॉक्टर की दवा कार्य करती, ना कोई मेडिसिन कार्य करती, ना कुछ कार्य करता उसको, फिर वो उसके इंसान के पास ले जाना पड़ता निकालने वाले जिनको अल्लाह ने बिठाया, वो भी बहुत कम है दुनिया में निकालने वाले, लगाने वाले बहुत है। और तुम्हारे जहनों में एक बात बढ़ गया, वो बात का मैं खास करके ये बात पे गौर करो, हर कोई बोलता कि काला जादू काले जादू से कटता, गंदा अमल गंदे अमल से कटता, ये शिर्क है ये बोलना, जो तुम लोग बोलते ना शिर्क शिर्क के झंडे लेके नाच रहे, तो शिर्क की मीनिंग क्या है पहले ये जानो, जब तुम ऐसा बोल रहे कि काला जादू काले जादू से कटता तो तुम्हारा अल्लाह के कलाम पे से अकीदा हट गया, इसका मतलब जब अल्लाह के कलाम पे से तुम्हारा अकीदा हट गया तो फिर तुम ने शिर्क करे, ये शिर्क है असल में, क्योंकि तुमने उसके अल्लाह की ताकत के साथ में दूसरी ताकत को शरीक कर दिया, जबकि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह की एक बार भी ब्लैक मैजिक से नहीं कटता, एक बार भी गंदा अमल गंदे अमल से नहीं कटता, क्यों नहीं कटता, उसका रीजन ये है कि शैतान और इब्लीस के पास में कितना भी जादूगर बड़ा रहेगा तो उसके पास में इब्लीस हाजिर होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो इब्लीस के पास में फैज पहुंचाने के इख्तियार नहीं है, फैज पहुंचाने के इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह आजाब में भी घेर सकता वो भी इख्तियार है, और जो आजाब में घिरा है उसको फैज भी दे सकता है, वो अल्लाह के पास इख्तियार है, और बाकी इब्लीस के और जादू टोने के पास में सबके पास में खाली एक ही चीज इख्तियार है कि किसी को भी परेशान करना, बाकी परेशान कौन कितना भी कर लेगा इब्लीस तो उन्हें फैज नहीं दे सकता, परेशानी जख्म देने के बाद उसमें मरहम नहीं लगा सकता, क्योंकि इब्लीस और इब्लीस के मानने वाले जो भी काले जादू करने वाले इनके पास में मरहम लगाने के इख्तियार नहीं है, इख्तियार मरहम लगाने के अल्लाह के पास है, फैज देने वाली जात अल्लाह की है,
जहमत देने वाली जात शैतान की है। तो शैतान तुम जाके बोल रहे काली जादू से कटता, ब्लैक मैजिक से कटिंगा, गंदा गंदे से कटिंगा, तुम्हारी सोच बेकार है, इसमें तुम तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर वो ऐसा करते हुए फिरेंगे तुम छोटे गलत जादूगरों के पास। तो तुम अल्लाह के कलाम की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत ज्यादा से ज्यादा करो, कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तुम पे कोई जादू टोना चल नहीं सकता, कोई जादू टोने की औकात नहीं पर चल नहीं। मगर शर्त यह है कि इबादत कब करो तुम जादू टोना चलने से पहले, चलने के बाद तुम अगर इबादत करेंगे तो तुम्हारी को शैतान इबादत ही नहीं करने देता। मैं सारी वीडियो देख लो, उसमें शैतान आगे लोगों के आगे बोलते तो खुद ये बताते कि हम इबादत नहीं करने दे रहे थे उसको, क्योंकि उनको तकलीफ होती इबादत करने से, कुरान पढ़ने से तकलीफ किसको होती, शैतान को, खबीसों को, उनको। तो इतनी बात याद रखो मेरी कि ये सब बातों पे अमल करना और वैसे सोच भी नहीं लाना जहन के अंदर, वो शिर्क है, क्योंकि तुम्हारा अकीदा सबसे बड़ा अल्लाह के ऊपर रहना, अल्लाह इबादत के लायक है हकीकतन मायनों में, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सारे ताकतें सारे अख्तियार सब अल्लाह के हाथ में। और फैज देने वाली एक मामूली कॉमन सेंस है, मामूली बात है, इतनी जहन में नहीं बैठ रही तुम्हारे कि फैज देने वाली जात अल्लाह की है, फैज के अख्तियार इबलीस के हाथ में नहीं रखे अल्लाह ने। ईश्वर अल्लाह दोनों तेरे से नाम है। अब जो है तो सही तरीक़ों से अमल करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो 5 टाइम की, और दूसरी बात क्या बोलते, किसी पर भी हसद जलन मत रखो, हसद जलन तुम रखेंगे तो दुनिया आईना है तुम्हारे साथ, दूसरा और कोई हसद जलन करेगा फिर तुम भी पिस जाएंगे, वो भी पिस जाएगा। किसी का बुरा मत सोचो जिसने तुम्हारे साथ जो करा, अल्लाह भी सौंप दो, अल्लाह बदला लेने वाला है, हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है। और बस इसके अलावा मेरे पास बोलने का कोई अल्फाज नहीं है, अमला करो, इबादत करो, कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो, पानी पिलाओ उसको। लेने का कुछ और एक बार पढ़ दो।